समन में समन का प्रारूप और अवधि, समन के प्रारूप के बारे में किस धारा में हमने आप लोगों को बताया था, धारा 61 में, ठीक है। समन किसके द्वारा निर्गत किया जाता है, समन किसके द्वारा जारी किया जाता है, न्यायालय के द्वारा। न्यायालय में कौन बैठता है, कोई मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश समन जारी करता है, ठीक है। समन दो प्रतियों में जारी किया जाता है, समन के ऊपर उस न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर और उस न्यायालय का मुहर लगा होता है, ठीक है। तो समन के प्रारूप के बारे में धारा 61 में हमने बताया था, धारा 62 में हमने आपको बताया था कि समन की तामील कैसे होती है, समन की तामील कौन करता है। न्यायालय द्वारा जब समन जारी कर दिया जाता है तो उसको कोई पुलिस अधिकारी या न्यायालय का कोई अधिकारी या सेवक तामील कराने के लिए ले जाता है, ठीक है। तामील या तो डाक द्वारा कराया जा सकता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसको भेजा जा सकता है, या व्यक्तिगत रूप से भी तामील कराया जा सकता है। जिस व्यक्ति के नाम समन निकाला गया है उस व्यक्ति को उस पुलिस अधिकारी के द्वारा या उस न्यायालय के सेवक या अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक कापी देकर और दूसरी कापी पर रिसीविंग लेकर उस रिसीविंग को न्यायालय में जमा कर दिया जाता है, जो साक्ष्य के रूप में मान्य होता है। धारा 63 में हमने आप लोगों को क्या बताया था, निगमित कंपनियों एवं संस्थाओं के ऊपर समन की तामील कैसे कराई जाएगी। तो उन कंपनियों के संस्थाओं के प्रबंधक सचिव सेक्रेटरी के नाम से समन न्यायालय निकालेगा और वह प्रबंधक और सचिव व्यक्तिगत रूप से जिस व्यक्ति के लिए समन निकाला गया होगा उस कंपनी में उस संस्था में काम करने वाले जिस व्यक्ति के लिए निकाला गया होगा उसको व्यक्तिगत रूप से देकर तामील कराएगा। एक कापी उसको दे देगा वह प्रबंधक और सचिव और दूसरी कापी पर सिग्नेचर कराकर और आसपास के किसी अन्य व्यक्ति से भी सिग्नेचर कराकर उसको न्यायालय में वापस कर देगा। तो इसको क्या कहेंगे, समन की तामील हो गई। 64 में हमने क्या बताया था कि यदि व्यक्तिगत रूप से तामील करने के लिए जिस व्यक्ति के लिए समन निकाला जाता है तो उसके घर के पते पर निकाला जाएगा, जहां वह निवास करता रहेगा या अभिलाभ के लिए काम करता रहेगा या नौकरी पेशा व्यवसाय करता रहेगा। तो समन लेकर जब पुलिस अधिकारी या न्यायालय का कोई सेवक और अधिकारी जाता है तामील कराने के लिए और वह व्यक्ति अपने निवास स्थान पर नहीं पाया जाता है, जहाँ वह काम करता है लाभ के लिए वेतन के लिए वहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है, तब समन की तामील कैसे कराई जाएगी। उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य के द्वारा समन की तामील करा ली जाएगी, उसके परिवार का जो मुखिया होगा या उससे जो बड़ा सदस्य होगा उसके द्वारा समन की तामील करा ली जाएगी। किस धारा में प्रावधानित है, धारा 64 में। और धारा 65 में हमने क्या बताया था, धारा 65 में हमने आप लोगों को बताया था कि उपर्युक्त प्रकारों में से 62 में व्यक्तिगत रूप से तामील करने के बारे में दिया गया है, उसी व्यक्ति को उसके हाथ में देकर समन की तामील कराई जाएगी। 63 में निगमित कंपनियों, 64 में वयस्क सदस्य, अगर इन प्रकारों में से किसी भी प्रकार से समन की तामील ना हो पाए तब धारा 65 में बताया गया है कि उस समन की एक कापी को जहां वह निवास करता है काम करता है नौकरी पेशा व्यवसाय करता है उसके सहज दृश्य भाग पर दिखने वाले भाग पर, तो किसी के मकान का कंपनी का सहज दृश्य भाग कौन होता है, दरवाजा होता है, मेन मुख्य द्वार होता है, तो उस पर उसकी एक कापी चिपका दी जाएगी और वह समन की तामील मानी जाएगी। न्यायालय मानकर चलेगा कि उसके घर के ऊपर चिपका दिया गया है तो उसको इसकी जानकारी हो गई होगी कि उस समन में जितने तारीख को उसको न्यायालय में उपस्थिति के लिए बुलाया गया है उतने तारीख को उसको उपस्थित होना है। न्यायालय मानेगा कि समन की तामील हो गई है। अब वह व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि हमने उसको नहीं पढ़ा या हमें जानकारी नहीं हुई, अरे भाग रहा है तो उसके घर का कोई ना कोई सदस्य तो उसको बताएगा ही कि तुम्हारे नाम समन इशू हुआ है। समन क्यों इशू होता है, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। तो 65 में इसी को कहते हैं प्रतिस्थापित तामील, चिपका दी जाएगी, ठीक है। धारा 66 में हमने क्या बताया था आप लोग को, सरकारी सेवकों पर समन की तामील कैसे होगी। सरकारी सेवक मतलब क्या, नौकरी करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी हो अधिकारी हो उसके नाम कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट कोई न्यायाधीश समन निकालता है तो उस समन
वो किसके नाम से निकाला जाएगा? जिस विभाग में वह काम करता है उसके मुख्य अधिकारी के नाम से निकाला जाएगा, और वह मुख्य अधिकारी उस समन की तामील उस व्यक्ति पर जो वह उसके विभाग में काम करता रहेगा उसको व्यक्तिगत रूप से देकर एक कॉपी दे देगा और दूसरी प्रति पे रिसीविंग करके उसको न्यायालय में जमा कर देगा। 66 में हमने बताया था, 67 में हमने आप लोग को बताया था कि स्थानीय अधिकारिता से बाहर समन की तामील कैसे की जाएगी। स्थानीय अधिकारिता क्या होता है? सब मजिस्ट्रेट और सब न्यायालय का एक क्षेत्र है कि इतने क्षेत्र तक के मामलों को ये न्यायालय, ये न्यायाधीश, ये मजिस्ट्रेट देखेंगे, वो दूसरे क्षेत्र के मामले के वो दूसरा न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट देखेगा, ठीक है। तो जिस स्थानीय अधिकारिता में कोई मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है, ठीक है, और वह कोई समन निकालता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के नाम समन निकालता है जो उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर निवास करता है, उस स्थानीय अधिकारिता में उसका घर नहीं है, वह क्राइम किया है, वह सिविल रंग उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में किया है, लेकिन उसका घर कहाँ है? दूसरे क्षेत्राधिकार में है, जो दूसरे मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। तो वह न्यायालय, वह मजिस्ट्रेट, वह न्यायाधीश सीधे सीधे उस दूसरे क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट एवं न्यायाधीश के नाम समन निकालेगा, उसके पास भेजेगा रजिस्टर्ड डाक से, और वह न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट उस समन की तामील इस प्रकार कराएगा मानो कि वह समन उसके द्वारा ही निकाला गया है। तो कैसे कराएगा? जैसे ऊपर के धाराओं में बताया गया है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य के द्वारा, यदि कंपनी में काम करता है तो कंपनी के प्रबंधक और सचिव के द्वारा, ठीक है, उसी प्रकार से कराकर उसको फिर क्या करेगा, उस न्यायालय को डाक द्वारा वापस भेज देगा। तो स्थानीय अधिकारिता से परे समन की तामील के बारे में किस धारा में प्रावधान है? धारा 67 में। धारा 68 में हमने क्या बेटा? वो पहले वहां होगा उस न्यायालय में, ठीक है, जो निकाला है, और फिर वो कोर्ट क्या करेगी, पुलिस अभिरक्षा में उसको उस न्यायालय में भेज देगी, ठीक है। और धारा 68 में हमने बताया था कि यदि कोई पुलिस अधिकारी, कोई न्यायालय का सेवक और कर्मचारी समन की तामील कराता है, ठीक है, और न्यायालय में विवाद होता है कि समन की तामील हुई है कि नहीं हुई है, मान लो कि जो समन की तामील कराता है, जो पुलिस अधिकारी और न्यायालय का अधिकारी और सेवक उस समय उपस्थित नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है, और न्यायालय में यह मामला चल रहा है कि समन की तामील हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके लिए जो वह दूसरी प्रति, वह व्यक्ति, वह पुलिस अधिकारी और अधिकारी और सेवक जो दूसरी प्रति रिसीविंग करा के न्यायालय में जमा किया होगा उसको साक्ष्य के रूप में मानेगा। उस रिसीविंग कॉपी को देखकर मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश उसको साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा कि वास्तविकता में समन की तामील हो गई है। तो समन के तामील के सबूत के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 68 में। यहाँ तक हमने आप लोग को बताया था, ठीक है। अब धारा 69 में यह बताया गया है कि यदि किसी साक्षी के ऊपर, साक्षी मतलब क्या, कोई गवाह है, गवाह समझ रहे हैं ना, पिक्चर में देखे होंगे ना, बिना गवाह के न्यायालय में कोई न्यायाधीश मजिस्ट्रेट निर्णय नहीं देता है, ठीक है, सब कुछ न्यायाधीश को पता है लेकिन कोई गवाह नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो न्यायाधीश उसके पक्ष में निर्णय नहीं दे सकता है। न्यायालयी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया सिर्फ साक्ष्य के ऊपर निर्भर होता है, अगर एविडेंस है तभी न्यायाधीश महोदय और मजिस्ट्रेट महोदय उसके पक्ष में उस साक्ष्य के आधार पर निर्णय दे सकते हैं, अगर एविडेंस नहीं है, दूसरा पक्ष एविडेंस खत्म कर दिया है, नष्ट करवा दिया है और कोई एविडेंस नहीं है, तो न्यायाधीश उसके पक्ष में निर्णय नहीं दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है कानून अंधा होता है। क्यों कहा जाता है कानून अंधा होता है? अगर एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं प्रस्तुत हो पाया, तो न्यायाधीश भले जानता है, उसको पता है अपने विवेक पर कि ऐसी घटना हुई है, हत्या किया गया है, लेकिन एविडेंस नहीं है, दूसरा जो पक्षकार है वह साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाया, गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो न्यायाधीश महोदय निर्णय नहीं दे सकते हैं।
इसी वजह से कहा जाता है कानून अंधा होता है। ठीक है, तो जब किसी साक्षी को, किसी गवाह को न्यायालय में किसी मामले के संबंध में साक्ष्य देने के लिए, एविडेंस देने के लिए बुलाना होता है, तो उसके ऊपर समन की तामील कैसे कराई जाएगी, इसके बारे में धारा 69 में प्रावधानित किया गया है। धारा 69 कहता है, साक्षी पर समन की तामील, किसी साक्षी अर्थात किसी गवाह के ऊपर समन की तामील कैसे होगी। हेडिंग डाल लो, हो गया हेडिंग सबका, लिखो। जब किसी साक्षी, जब किसी साक्षी या किसी मामले से संबंधित, जब किसी साक्षी या किसी मामले से संबंधित किसी गवाह को न्याय प्रदान करने हेतु न्यायालय में बुलाना आवश्यक होता है, तब उसके लिए न्यायालय के द्वारा डाक द्वारा समन की समन को जारी किया जाता है, जो रजिस्टर्ड डाक होती है, ठीक है। अब वह समन उसके पास जाएगा, साक्षी के पास, गवाह के पास, तो जितनी ऊपर की धाराओं में हमने बताया है कि कैसे समन की तामील होगी, उन्हीं प्रकारों से समन की तामील साक्षी के ऊपर, गवाह के ऊपर भी कराया जाएगा। कैसे कराया जाता है समन की तामील? अगर वह उपस्थित होगा तो उसको व्यक्तिगत रूप से दे दिया जाएगा, दूसरी कापी की रिसीविंग करके न्यायालय में चला जाएगा, ठीक है, डाक से फिर भेज दिया जाएगा, जो डाक का कर्मचारी या पुलिस अधिकारी लेके जाएगा उसको रिसीविंग कराने के लिए, उसको डाक से उस न्यायालय में भेज देगा जिस न्यायालय के द्वारा वह निर्गत जारी किया गया था। अगर वह नहीं पाया जाएगा तो इसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य के ऊपर करा लिया जाएगा, वो भी नहीं पाया जाएगा, अगर वो भी नहीं तैयार होता है कि भैया हम इस सब पचड़े में नहीं पड़ेंगे, वो किया है वो जाने, तो उसके घर के ऊपर चिपका दिया जाएगा, ठीक है, वही सब प्रक्रियाएं यहाँ भी चलेंगी। तो ये था समन, समन के बारे में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, 61 से 69 तक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वारंट के बारे में, हमने आपको बताया था कि वारंट न्यायालय क्यों जारी करता है, गिरफ्तारी करने के लिए, और समन क्यों जारी करता है, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, गिरफ्तार करके नहीं, ऐसे ही उपस्थित होने के लिए, और न्यायालय वारंट जारी करता है सीधे गिरफ्तार करने के लिए। कब जारी करता है?
जब न्यायालय ने समन जारी कर दिया उसको उपस्थित होने के लिए, और न्यायालय को अब एहसास हो रहा है कि वह समन का पालन नहीं करेगा, न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, वो अपनी संपत्ति मकान दुकान बेच कर क्या है भागने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही न्यायालय को पुलिस अधिकारी के द्वारा या अन्य किसी भी सरकारी अधिकारी सेवक के द्वारा ऐसी सूचना मिलती है तो फिर उसको गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय क्या करता है, वारंट जारी कर देता है सीधे सीधे। पहले प्रेम से बुलाया जाता है समन भेजकर कि आ जाओ, इस मामले में तुम्हारी संलिप्तता है, अगर तुम नहीं किए हो ये अपराध ये क्राइम तो आकर अपनी बात कहो। भागेगा कौन, जो दोषी होगा वो भागेगा, सही आदमी कभी नहीं भागेगा। लेकिन भारत में लोग डरपोक होते हैं बहुत लोग, तो भागने लगते हैं, वही फंसते हैं जो भागने लगते हैं डर के मारे, अरे बाप रे पुलिस है पुलिस वाले हैं मारेंगे हमें, जो भागा वो फंसा। एक हमारा जूनियर था यहाँ, हम ताराचंद हॉस्टल में रहते थे, एक मामले में कुछ लड़के इलाहाबाद में यहाँ छिनैती रात में करते थे और दिन में जाके यूनिवर्सिटी में नेतागिरी करते थे और रात में छिनैती करते थे। तो दिन में जब जाते थे तो हमारा जो जूनियर था उस समय मोबाइल नया नया आया था, इक्का दुक्का किसी किसी लड़के के पास, 2005 की बात बता रहे हैं तुम लोग, इक्का दुक्का मोबाइल किसी किसी लड़के के पास रहता था, तो अच्छे घर के था उसके पास एक मोबाइल था, तो रात में क्राइम करते थे और दिन में जब आते थे विश्वविद्यालय में तो उसका मोबाइल लेके, और जो उसके अन्य साथी होते थे कहते थे कि यार जरा दो अपनी मोबाइल, हमको किसी से बात करनी है, अब वो सीधा साधा सा दे देता था। पुलिस वाले उनकी खोज कर रहे थे उस गिरोह का, तो वो सर्विलांस लगाए हुए थे, ठीक है, कि अगर कहीं से लोग बातचीत करेंगे तो इसका रिकॉर्ड हो जाएगा। तब जिस महोदय का मोबाइल था उसका नंबर सर्विलांस पे जाता था, तब यही कर्नलगंज थाने के पुलिस इंस्पेक्टर ने उस लड़के को बुलाया। अब उसके घर शादी पड़ी थी हमारे जूनियर के घर, उसकी बहन की अब शादी पड़ी थी, तो वहाँ सूचना गया तो उसके घर वाले उसको आने से रोक दिए, वो आया नहीं थाने में अपनी बात कहने के लिए। एक महीने तक यहाँ इंस्पेक्टर वेट किया, घर वाले उसके सीधे साधे थे, डरा दिए कि ना जाओ पुलिस वाले पकड़ लेंगे बंद कर देंगे। अगर वो आ गया होता अपनी बात यहाँ कह दिया होता, क्लियरिफिकेशन हो गया होता, तो उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगी होती। अब जो गिरोह था वो गिरोह ने 13-14 मर्डर छिनैती करने के चक्कर में किया था, कम से कम रात में 13-14 मर्डर, ठीक है। अब उस 13-14 मर्डर में हत्या में इनका नाम भी संलिप्त हो गया कि ये भी उसमें क्या है, सहायक हैं, और ये फंस गए, बुरी तरह फंसे, इनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, इनके घर कुर्की वगैरह सब ये भागने लगे। अगर वही आके उपस्थित हो गए होते तो अपनी बात कह दिए होते, तो पहले प्रशासन क्या करता है, समन इशू करता है कि आप आइए अपनी बात कहिए उपस्थित होइए। अगर आप भागेंगे, आप लोग भी जान लीजिए, अगर कहीं संलिप्तता ऐसे आपको कोई झूठ मूठ का फंसाए तो आप डरिए नहीं, बोल्डली जाइए थाने में, न्यायालय में बुलाया जाए, अपनी बात कहिए, आपका केस मजबूत रहेगा। अगर भागेंगे तो फिर फंसते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वारंट के बारे में, किसके बारे में, धारा 70। धारा 70 में दिया है वारंट का प्रारूप और अवधि। ठीक है, समन का प्रारूप किस धारा में दिया गया था, धारा 61 में, और वारंट का प्रारूप किस धारा में दिया गया है, धारा 70 में। तो वारंट कब इशू किया जाता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कराने के लिए, जब कोई व्यक्ति समन में दिनांकित दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, वह भागता है, कोई अपराध किया है, अपना मकान दुकान जमीन बेचकर भाग रहा है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और न्यायालय को ऐसी सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त होती है तो न्यायालय
उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट इशू करता है। ठीक है, वारंट भी दो प्रतियों में इशू किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? न्यायालय के द्वारा। न्यायालय के द्वारा इट मीन्स न्यायालय के मजिस्ट्रेट के द्वारा। यदि छोटी कोर्ट है तो वहाँ कौन बैठेगा? मजिस्ट्रेट बैठेगा। बड़ा कोर्ट है, सेशन न्यायालय है, जिला न्यायालय है, तो वहाँ कौन बैठेगा? जिला न्यायाधीश बैठेगा। तो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट दो प्रतियों में जारी किया जाता है, दो प्रतियों में निर्गत किया जाता है। उसके ऊपर उस न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर तात्परित होता है, वह उस पर अपना सिग्नेचर करता है उस वारंट पर, और उस पर न्यायालय की मुद्रा और मुहर लगी होती है। ठीक है, तो यही है क्या है वारंट का प्रारूप और इसकी अवधि। यह वारंट कब तक प्रवर्तनीय होता है? जब तक कि जो न्यायालय इस वारंट को इशू किया रहता है, निर्गत किया रहता है, जारी किया रहता है, जब तक कि वह उसको समाप्त न कर दे, उसको खत्म न कर दे या उसका निष्पादन न हो जाए। कब तक जारी रहता है? जब तक कि उसका निष्पादन न हो जाए, इट मीन्स कि जब तक वह व्यक्ति पकड़ न लिया जाए। और पकड़ने के पहले ही यदि न्यायालय इस वारंट को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, तो वह उसके पहले भी समाप्त किया जा सकता है। तो धारा 70 में वारंट का प्रारूप और अवधि के बारे में प्रावधान किया गया है। लिखो, जब कोई व्यक्ति बात नहीं जब कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा जारी किए गए जब कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा जारी किए गए समन का अनुपालन नहीं करता है और वह अपने को न्यायालय में प्रस्तुत होने से छिपाने के प्रयोजन से भगता है तब किसी भी माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उस न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो इसी में, न्यायालय द्वारा वारंट दो प्रतियों में मतलब दो कॉपी में, ठीक है, दो प्रतियों में जारी किया जाता है जिस पर जारी करने वाले न्यायालय की न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट का
मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर तथा उस न्यायालय की मुद्रा तथा उस न्यायालय की मुद्रा मुहर आवश्यक होती है। यही प्रारूप है, उस पर उस न्यायाधीश मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा और उस न्यायालय की मुहर उस पर लगी होगी। समन में भी ऐसे ही था, समन दो प्रतियों में जारी होता था और उस न्यायालय और मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर उस न्यायालय का मुहर आवश्यक था, वैसे ही वारंट के लिए भी है। ठीक है, अब देखो धारा 71 क्या कहता है। वारंट द्वारा प्रतिभूति लेने की शक्ति ठीक है, वारंट द्वारा प्रतिभूति, प्रतिभूति मतलब होता है बंध पत्र लेकर छोड़ना, बांड भरवा लेना। ठीक है, यदि मामला बहुत गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, ठीक है, बहुत गंभीर अपराध नहीं है, हत्या बलात्कार लूट नहीं है, साधारण किस्म का है और उसके लिए पहले समन जारी किया गया था और वह व्यक्ति समन में दिए गए दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय क्या करेगा, वारंट इश्यू करेगा। अर्थात यदि मामला साधारण किस्म का है, उपहत्ति है, कोई किसी को थोड़ा बहुत चोट कारित कर दिया है, सदोष अवरोध का है, कहीं जाने से उसको रोक दिया गया है, छोटे मोटे अपराध हैं, छोटी मोटी चोरी है, तो जो न्यायालय वारंट इशू करता है उस वारंट में ही यह लिख देगा कि यदि वह व्यक्ति प्रतिभूति मतलब कि बांड भरता है, बांड भर के बंध पत्र भरता है कि हम इतनी तारीख को चाहे जब हमको न्यायालय बुलाएगा तब हम न्यायालय में उपस्थित होंगे, थाने में उपस्थित होंगे, उसको गिरफ्तार करेगा, करने के बाद जब वह बांड भर देगा अपनी प्रतिभूति अर्थात गारंटी दे देगा, ठीक है, तो उसको उस बांड के भरने पर छोड़ भी देगा। अगर उस वारंट में न्यायालय ने ऐसा लिख दिया है कि वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वह अगर प्रतिभूति दे देता है, गारंटी दे देता है कि जब उसको न्यायालय में बुलाया जाएगा, जब थाने में बुलाया जाएगा तब वह अब आगे उपस्थित होगा, भागेगा नहीं, अगर भागेगा तो जितने रुपये का प्रतिभूति देता है, गारंटी देता है, जितने रुपये का बांड भरा है वह उसका क्या हो जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। तो थोड़ा मोड़ा बांड नहीं भरना पड़ता है, एक बीघे दो बीघे खेत का उसमें प्रतिभूति गारंटी लगाना पड़ता है, ठीक है, 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 रुपये तक का प्रतिभूति भरना पड़ता है, गारंटी देना पड़ता है कि जब न्यायालय हमको बुलाएगा तब हम न्यायालय में अब आगे से उपस्थित होंगे। 71 में क्या बताया गया है, वारंट द्वारा प्रतिभूति लेने की शक्ति। आ रहा है ना समझ में, लिखो, जब किसी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाता है, तब वह न्यायालय
उस वारंट में ही, तब वह न्यायालय उस वारंट में ही प्रतिभूति द्वारा, प्रतिभूति मतलब क्या होता है, गारंटी, प्रतिभूति द्वारा बंध पत्र भरवाकर, प्रतिभूति द्वारा बंध पत्र भरवाकर कि वह न्यायालय में बुलाने पर, कि वह न्यायालय में बुलाने पर उपस्थित होगा, उसे कामा देखिल को उसे छोड़ दिए जाने का, उसे छोड़ दिए जाने का उपबंध भी, उसे छोड़ दिए जाने का उपबंध भी कर सकता है। उसी वारंट में लिख देगा कि यदि मामला साधारण किस्म का है तो बांड भर देगा, प्रतिभूति दे दे। प्रतिभूति क्या होता है, दस्तावेज को प्रतिभूति कहते हैं। जैसे उसके पास कोई शेयर है, ठीक है, कोई डिबेंचर है, कोई किसान विकास पत्र है, कोई ऐसा प्रतिभूति है, कोई ऐसा कागज है जिसकी कुछ कीमत है, जमीन का कागज है, मकान का कागज है, वह प्रतिभूति के रूप में उस बांड में लगा दे या बांड भर दे। इतने रुपए तक का, जितने रुपए तक का हम कागज लगाए हैं, मकान का अपना कागज लगाए हैं, अगर हम हाजिर नहीं होंगे न्यायालय में, आगामी भविष्य में जब न्यायालय और थाने में हमें बुलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, समपहरण उसका हो जाएगा। कानूनी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, समपहरण, समपहरण, उसकी जब्ती हो जाएगी। ठीक है, अब देखो धारा 72, धारा 72 वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, निर्दिष्ट वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, मतलब वारंट न्यायालय किसके नाम से निकालेगा। तो हमने अभी आपको ऊपर ही बताया है, न्यायालय वारंट इशू करेगा तो किसके किसके लिए निकालेगा, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा, ये वारंट लीजिए और इसका निष्पादन कराइए, इसकी तामील कराइए, तो किसी पुलिस अधिकारी को देगा या न्यायालय के किसी अधिकारी एवं सेवक को वारंट का निष्पादन कराने के लिए देगा। यही बात किसमें बताई गई है, धारा 72 में, कि वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा या न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक को निर्दिष्ट होगा कि वह उस वारंट का पालन कराए। मान लो कोई उपस्थित नहीं है तो न्यायालय जिसको भी चाहे उससे उस वारंट का निष्पादन करा सकता है। लिखो, इस धारा में, इस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा तथा इनकी अनुपस्थिति में
न्यायालय के इनकी अनुपस्थिति में न्यायालय के किसी अधिकारी सेवक अधिकारी सेवक या किसी अधिकारी सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को भी या किसी अन्य व्यक्ति को भी निर्दिष्ट निर्दिष्ट मतलब दिया जा सकता है, निर्दिष्ट किया जा सकता है।